नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन और मैं हूं आपके साथ शिवानी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री बन चुके हैं और राज्य के 3 कार्यकाल के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बेटे भी हैं। अर्जुन मुंडा मंत्रालय के दौरान वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन का बिहार से आखिर क्या रिश्ता है? जी हाँ, हम आपको आज बताएंगे कि आखिर क्या वजह है जो हेमंत सोरेन बिहार से जुड़े हुए हैं। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को शिबू सोरेन और रूपी सोरेन के घर में हुआ। हेमंत सोरेन ने जहां 1990 में पटना के एमजी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की, वहीं उन्होंने अपना इंटरमीडिएट भी 1994 में पटना हाई स्कूल से ही पूरा किया है। जी हां, जिस तरह से हमने आपको बताया कि आखिरकार जो बचपन है हेमंत सोरेन का वो बिहार में ही बिताया। उन्होंने सारी अपनी प्रारंभिक से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई भी बिहार में ही की है। उसके बाद उन्होंने रांची के बीआईटी मिश्रा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और वहाँ की पढ़ाई उनकी कुछ कारण वजह से पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद हेमंत सोरेन की शादी जो है कल्पना सोरेन से हो गई। वर्तमान में वह चुनाव पूर्व गठबंधन बनाने के लिए सभी विकल्पों की खोज भी कर रहे थे। उन्होंने नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन और मैं हूँ आपके साथ शिवानी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री बन चुके हैं और राज्य के 3 कार्यकाल के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बेटे भी हैं। अर्जुन मुंडा मंत्रालय के दौरान वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन का बिहार से आखिर क्या रिश्ता है? जी हाँ, हम आपको आज बताएंगे कि आखिर क्या वजह है जो हेमंत सोरेन बिहार से जुड़े हुए हैं। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को शिबू सोरेन और रूपी सोरेन के घर में हुआ। हेमंत सोरेन ने जहाँ 1990 में पटना के एमजी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की, वहीं उन्होंने अपना इंटरमीडिएट भी 1994 में पटना हाई स्कूल से ही पूरा किया है। जी हाँ, जिस तरह से हमने आपको बताया कि आखिरकार जो बचपन है हेमंत सोरेन का वो बिहार में ही बिताया। उन्होंने सारी अपनी प्रारंभिक से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई भी बिहार में ही की है। उसके बाद उन्होंने रांची के बीआईटी मिश्रा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और वहाँ की पढ़ाई उनकी कुछ कारण वजह से पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद हेमंत सोरेन की शादी जो है कल्पना सोरेन से हो गई। वर्तमान में वह चुनाव पूर्व गठबंधन बनाने के लिए सभी विकल्पों की खोज भी कर रहे थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ये घोषणा भी की थी कि उनकी पार्टी अकेले झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव में जिस तरह से करारी हार मिली थी, आपको बता दें कि तमाम पार्टियों को कहीं ना कहीं झारखंड चुनाव जीतने के बाद महागठबंधन के खेमे एक बड़ी जीत हाथ जरूर लगी है। तो फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वन इलेवन। नमस्कार। न्यूज वन इलेवन के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।